श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 16। अभी तक हमने अध्याय 3 में कर्म योग के बारे में बात की और कर्म योग में यज्ञ के बारे में बताया गया और यज्ञ से बड़ा कर्म कुछ नहीं होता और यज्ञ को निष्काम कर्म बताया गया है। ठीक है, मतलब हमें ये नहीं समझना है कि जो बाहर यज्ञ हवन आहुति होती है उस यज्ञ की बात की जा रही है, आत्मज्ञान की बात की जा रही है, निस्वार्थ कर्म की बात की जा रही है। और आज हम बात करेंगे पाप और पुण्य की। ठीक है, तो श्लोक 16 क्या कहता है, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्त्याति हेयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सा जीवति। इस प्रकार से स्थापित सृष्टि चक्र का जो मनुष्य पालन नहीं करता वह पाप में जीवन जीता है और जो केवल इंद्रियों की तृप्त में लगा रहता है उसका जीवन व्यर्थ है। हे पार्थ, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सृष्टि के चक्र, कर्मयोग और यज्ञ के चक्र का पालन ना करना पाप है। जो व्यक्ति केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीता है और जो समाज और सृष्टि के नियमों का पालन नहीं करता उसका जीवन निष्फल और व्यर्थ हो जाता है। यहाँ कर्म और यज्ञ का महत्व बताया गया है और यह कहा गया है कि आत्मसंतोष और केवल भोग विलास में लगे रहना जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज और समझना है कि बात हम किसकी कर रहे हैं, कर्मयोग की। ठीक है, कर्मयोग में हम यज्ञ की बात कर रहे हैं, यज्ञ में होता है निष्काम कर्म। हमने पिछले श्लोक में बात की कि प्रकृति के साथ भी हमें कामना वाला रिश्ता नहीं रखना है, वहां भी हमें निस्वार्थ रहना है। लेकिन अगर जो इसका पालन नहीं करता है वो व्यक्ति पाप का भागी बनता है, उसके जीवन में कभी सुख और शांति नहीं होती है। तो एक चीज यहाँ समझने की ये है कि आत्मज्ञान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और आत्म अज्ञान से बड़ा कोई पाप नहीं है। जो मनुष्य अज्ञानी है फिर वो चाहे कर्म कैसा भी करे, हर कर्म में उसके पाप ही है, जीवन नरक है उसका। ठीक है, आत्मज्ञानी व्यक्ति कर्म कैसा भी करे लेकिन उसके हर कर्म में निष्कामता आ जाती है क्योंकि उसे आत्मज्ञान हो जाता है। तो अब समझ में आ गया कि पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है। कर्मों से हमें डिसाइड नहीं करना है कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। डिसाइड कहां से करना है हमें, कि हमारे अंदर ज्ञान है या नहीं है और ज्ञान कौन सा, आत्मज्ञान। सिर्फ दो ही ज्ञान होते हैं, एक ज्ञान होता है आत्मज्ञान और एक अज्ञान। पहले भी हमने इस पे बात की है कि दो ही चीजें होती है, तो ज्ञान होगा या नहीं होगा। आ रहा समझ में, जिस व्यक्ति का जीवन अज्ञान में है, जो सिर्फ अपनी इंद्रियों के तृप्ति के लिए भाग रहा है, जो अपने इंद्रियों के भोग के लिए जीवन जी रहा है, जिसकी कामना स्वयं के लिए है और वो अपने से अपने को ही तृप्त करने में लगा हुआ है, वो व्यक्ति पापी है। कितनी सिंपल और सरल बात है। जिसके जीवन में निष्कामता आ गई, जो दूसरों के लिए सोच रहा है, जो अपने स्वार्थ को पीछे रख रहा है, जो सबसे पहले लोगों के लिए सोचता है, दूसरों के लिए सोचता है, तो संसार में भी कुछ लोग दरिद्रों की मदद कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, अंधे लोग हैं, लंगड़े हैं, अपाहिज हैं, जानवर हैं, जो निस्वार्थ होकर इनकी सेवा कर रहे हैं, वो भी पुण्य का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर यही आता है कि जो अज्ञान से उत्पन्न होगा ये कर्म, वो कहीं ना कहीं स्वार्थ को लेके होगा, है ना, हर काम में उनका स्वार्थ रहेगा। आ रहा समझ में, मतलब जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो अगर ये काम भी कर रहा है तो वो उसमें भी स्वार्थ ढूंढ लेगा। आ रहा समझ में, और जिसको आत्मज्ञान है वो जो भी काम करेगा सब निष्काम ही होगा। ये मेरा सवाल है कि जिसको आत्मज्ञान है, जिसको आत्मज्ञान है वो जो भी करेगा वो पुण्य होगा, जिसको आत्मज्ञान है जो भी करेगा पाप होगा। फिर हमें क्यों बताई जाती है कि आपने बोला दो ही पाप पुण्य है, लेकिन दुनिया में अगर हम देखें तो हमको ऐसी दसों पाप मिल जाएंगे, दसों पुण्य मिल जाएंगे कि ये करो तो पाप है, ये करना पुण्य है, ये करना पाप है, ये करना पुण्य है। तो क्या सिर्फ दो ही पाप पुण्य होते हैं कि ये सब भी हैं जो संसार में चलते हैं? हमें ये देखना है कि हमें बता कौन रहा है, पाप पुण्य की परिभाषा किसने दी है, क्या वेदांत में है, क्या कृष्ण ने कही है, क्या गीता में लिखा है? ऐसा गीता में तो नहीं लिखा है, लेकिन पुराणों में लिखा है, गरुण पुराण। तो वही बात है ना, गरुण पुराण या जो भी है, इन सब की रचना ही मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के लिए किया है, जो उनको अच्छा लगता है वो उसमें रच दिया गया है।
आप कैसे बोल सकते हैं कि पुराण ऐसे ही लिखा गया है? देखो, वेदांत ही है जो हमें आत्मा की बात करता है, ठीक है। आत्मज्ञान की बात सिर्फ वेदांत और गीता में होती है, गरुड़ पुराण में बाहरी ज्ञान की बात होती है। और जहां अहम, आत्मा और प्रकृति, इन तीनों की बात ना हो रही हो, वो ज्ञान सही हो ही नहीं सकता है। देखिए, आप तो ये बोल रही हैं कि जिसको आत्मज्ञान हो गया, अब वो जो सारे कर्म करेगा वो पुण्य ही रहेंगे, पाप उससे होगा ही नहीं। लेकिन हर कोई तो आत्मज्ञानी नहीं हो सकता, तो फिर जो आम आदमी है उसके लिए मुझे लगता है कि जो नियम बनाए गए हैं कि ये करना पाप है, ये करना पुण्य है, तो कम से कम पाप के डर के चलते ही वो कुछ गलत काम नहीं करता है। बहुत सारी चीजें वो डर के चलते ही नहीं करता है। नहीं तो अगर हर किसी से पाप पुण्य का डर खत्म हो जाए तो फिर तो सब कोई अपनी मनमानी करने लगेगा और दुनिया तो फिर तहस नहस हो जाएगी। देखो, जीवन में एक ही उद्देश्य होना चाहिए, मुक्ति जी, ठीक है। और जब हमारे जीवन में मुक्ति का उद्देश्य है, वो हमें अगर गलत काम करके भी मिल रही हो तो वो काम गलत नहीं हो सकता है, समझ रहे हो। लेकिन जो आम आदमी होता है वो डर के कारण सामाजिक तौर पे तो नहीं करता है, ठीक है, सामाजिक बंधनों में बंधा रहता है, लेकिन वो मुक्त नहीं हो पाता है, उसे उस कर्म से मुक्ति नहीं मिलती है। मतलब वो अगर डर के अच्छा काम भी कर रहा है तो मुक्त नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए वो पाप का भागीदार है। मतलब वो कैसे भी कर रहा है पर उसे नर्क भोगना ही पड़ता है। तो फिर ये बात तो इस हिसाब से गलत हो गई कि किसी को बोलते हैं कि ये आदमी है, इसने दो काम तो भले ही बोलते हैं कि सामने वाला जो आदमी है ये लाख बुरा है, लेकिन इसने ये काम अच्छे करे हैं, इसने दो तीन काम है जो कि ये काफी अच्छे किए। आप बोल रहे हैं जो आत्मज्ञानी है उसके सारे ही काम गलत होंगे। देखो, यहाँ हमें किसी को देखने से नहीं, अरे यार शांत रहना, या हमें किसी को देखने से नहीं समझना है, तो आत्मज्ञान की बात कर रहा है, खुद की मुक्ति की बात कर रहा है, हमें खुद में समझना है। देखिए, खुद में तो समझना, लेकिन दुनिया को देख के ही ना समझेगा आदमी, खुद को कितना समझेगा। दुनिया को देख के तो ठीक है, लेकिन जिसको वेदांत और गीता मिल गया उसे दुनिया को देखने की क्या जरूरत है? क्योंकि दुनिया की ही बात करी गई है वेदांत और गीता में। देखो, यहाँ पे एक चीज और समझाती हूँ, आत्मा अचल होती है, ठीक है। आत्मा एक जैसी स्थिर रहना चाहिए, अंदर से तुम्हें स्थिर भाव रहना चाहिए और बाहर से तुम चलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे एक चीज और समझने की बात है जी। लोगों ने मन को चलायमान बना दिया है और शरीर को स्थिर बना देते हैं, बाहर त्यागना शुरू कर देते हैं और अंदर कामनाएं करना शुरू कर देते हैं। जबकि उल्टा होना चाहिए, बाहर आपका शरीर चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर से स्थिर होना चाहिए। ये पंखा चल रहा है, इसकी पत्तियां घूम रही है, लेकिन बीच में है वो स्थिर है, एक ही जगह स्थिर है, पत्तियां घूम रही है चारों तरफ, लेकिन जो केंद्र है स्थिर है, तभी ये घूम रही है। अगर वो घूमने लगे तो फिर सोचो क्या हो। तो हमारा मन जो होता है उसे स्थिर होना चाहिए और जो हमारा शरीर है उसे चलायमान होना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बाहर चीजों को छोड़ना शुरू कर देते, शरीर को स्थिर बनाने लगते हैं और अंदर से मन को चलाते रहते हैं। मन चलता रहता है, मन कामना करता रहता है और हम जबरदस्ती अपने शरीर को स्थिर बनाने में लगे रहते हैं, ये भी गलत होता है। मन स्थिर होना चाहिए, मन एकांत में रहना चाहिए, मन के अंदर शांति होना चाहिए। बाहर कुछ भी हो रहा हो फिर भी हमें पता है दुख भी आएगा सुख भी आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ। देखो, कुछ लोग क्या करते हैं कि जब दुख आता है तो उनको अगर ये हो गया कि मैं ज्ञान ले रहा हूँ, आध्यात्मिक हो गया हूँ, तो वो रोते नहीं है, वो अपने आप को जबरदस्ती रोकेंगे, कंट्रोल करेंगे कि मुझे रोना नहीं है। खुशी आ रही है तो जबरदस्ती की हंसना नहीं है, कूदना नहीं, उछलना नहीं है, नाचना नहीं है, गाना नहीं है, अपने आप को कंट्रोल कर रहे। मतलब हमें यहाँ ये समझना है कि हमें कंट्रोल नहीं करना है अपने आप को, हमें प्रकृति के साथ चलना है। अगर बादल बारिश कर रहे हैं तो क्या हम बारिश को रोकेंगे जाके? सूर्य धूप दे रहा है तो क्या हम उसे रोक लेंगे? तो जरूरी जरूरी है नहीं, हमें समझना है कि हम उसको नहीं रोक सकते ना, हम उसको उसकी प्रकृति के हिसाब से चलने देते हैं। फिर हमारा शरीर भी तो प्रकृति है ना, तो हमें इसको क्यों जबरदस्ती रोकना है? ना हमें जबरदस्ती रोकना है, ना विरोध करना है। और देखो, आत्मज्ञान आने के बाद ना इंसान वैसा ही निर्णय नहीं लेता, वैसा ही जीवन नहीं जीता। मतलब हमें छोड़ना भी नहीं, त्यागना भी नहीं, लेकिन हमारे कर्म ऑटोमेटिक बदल जाते हैं। आ रहा समझ में? हमारी संगति बदल जाती है, हमारे कर्म बदल जाते हैं, हमारे जीने का तरीका बदल जाता है, लेकिन हमें विरोध नहीं करना है। हमें सोचना नहीं है कि हम ज्ञानी हो गए तो हम ये सब नहीं कर सकते, हमें दिखाना नहीं है लोगों को कि अब हम आध्यात्मिक हो गए तो हम ये नहीं कर सकते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं, बस वो हमारे केंद्र से आना चाहिए, हमारे आत्मज्ञान से होना चाहिए। समझ में आ रहा था?
अज्ञानता से नहीं उत्पन्न होना चाहिए। जी देखिए, इससे इस टॉपिक से थोड़ा अलग हो सकता है मेरा सवाल। देखिए एक बहुत मजेदार चीज आपसे पूछूंगा कि मेरा एक दोस्त है ना, वो मुझे देखता है, बोलता है कि भाई अच्छी बात है तू जिम जा रहा है, ये कर रहा है। मैं बोलता तू भी जा, तो बोलता है कि देख भाई मेरी तेरी जैसी हालत नहीं है, मैं पहले से ही सूखा हूँ, मैं क्या करूँगा जिम जाके। तो वो समझ नहीं रहा है कि जिम तो उसी के लिए है। अब जो हट्टा कट्टा पहले से ही वो जिम जाके क्या करेगा, जिम जाता ही आदमी इसलिए कि अगर उसकी हालत खराब है तो वहाँ जाके सुधर सके। इसी तरीके से जब कोई गीता पढ़ता है लेता है तो कुछ दिन तो पढ़ता है, उसके बाद बोलता है भाई ये ज्ञानियों की बातें हैं, ये सिर्फ ज्ञानी ही समझ सकते हैं, जो आत्मज्ञानी हो गया वही समझ सकता है बातें, ये तो आम आदमी को समझ में, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रही बातें। तो कुछ दिन पढ़ के वो छोड़ देता है। मतलब उसका कहना है कि जब जिस दिन मैं बहुत आत्मज्ञानी बन जाऊंगा, जिस दिन मेरे को बहुत ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन मेरे को ये सब बातें समझ में आने लग जाएंगी, उस दिन मैं पढ़ूंगा। तो आपको क्या लगता है, ये मान्यता सही है या फिर इसमें कुछ झोलमोल है? देखो सीधे सीधे झोलमोल है। आत्मज्ञानी आदमी गीता पढ़े बिना कैसे हो जाएगा, और ज्ञान बिना लिए अगर वो ज्ञानी बन जाए तो इन सब की जरूरत ही क्या है। जी जी। तो ये कहना कि मैं अभी ऐसा हूँ और फिर करूंगा, इसका मतलब अभी वो अज्ञानी है और अज्ञानी ही रहने वाला है, क्योंकि वो टाल रहा है चीजों। और वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसे लगता है कि उसका जीवन जो वो जी रहा है, लगता है मतलब कौन है उसके भीतर जो गीता पढ़ने का विरोध बहाने बनाता है? आत्मज्ञान ज्ञान नहीं है, सिर्फ अज्ञान, अज्ञान के केंद्र से उसका सारा काम हो रहा है। उसे नहीं ज्ञान मिला, उसे नहीं माहौल मिला, उसके जीवन में वो चीज नहीं उतरी, तो उसको लगता है कि मेरे जीवन में सबसे बड़े मुद्दे यही है। जो उसके जीवन में चल रहा ना, उन्हीं मुद्दों को इम्पोर्टेंट देता है, महत्व तो देता है। वो ज्ञान को महत्व तो नहीं दे रहा, उसके जीवन में ज्ञान कैसे आएगा और कैसे उसका जीवन बदलेगा? जो व्यक्ति ज्ञान को महत्व नहीं देगा, ऊंचे काम को महत्व नहीं देगा, उसका जीवन वैसा ही रहेगा। मतलब वो ये नहीं समझते, मतलब ऐसा मैंने कई लोगों को देखा है। जी इसीलिए मैंने, ठीक है, वो कहते हैं कि मुझे अभी टाइम नहीं है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं ज्ञान नहीं ले सकता, जब टाइम मिलेगा तब ज्ञान लेंगे। अरे उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम ज्ञान लोगे तब टाइम मिलेगा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारा टाइम जा रहा है। अभी तक टाइम मिल जाता नहीं तो, हाँ मतलब बिलीव ही नहीं आ रहा ना, तो हम ऐसे लोगों के पीछे नहीं पड़ सकते ना, हमें नहीं मतलब है ऐसे लोगों से। अध्यात्म का जो व्यवहारिक मुझे एक चीज समझ में आई है, मतलब मैं जीवन में मैं देख रहा हूँ, आप बताइएगा सही है कि गलत है, कि जब जीवन में अध्यात्म आता है तो जो चीजें हमें पहले बहुत बड़ी बड़ी लगा करती थी वो फिर हमारे लिए छोटी हो जाती है, और इस कारण ही इंसान को समय मिल पाता है, क्योंकि एक इंसान जो है वो जो पहले चीजों को बहुत बड़ा मानता था उनको उसने छोटा मानना शुरू कर दिया है, उसके लिए अब इतनी माने नहीं रखती, तो उन चीजों को कभी कभी नजरअंदाज भी कर देता है सिर्फ ज्ञान लेने के लिए, यानी वो ज्ञान को प्रायोरिटी देता है और जानता है कि इन चीजों की जो प्रायोरिटी है वो ज्ञान के बाद है। लेकिन एक आत्मज्ञानी आदमी ज्ञान को वो लास्ट में रखता है और जो आम लोगों की चीजें हैं जो, देखो वो अभी अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लगा है, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए लगा है, इसीलिए उससे ज्ञान दूर है। तो क्या ये एक शुभ लक्षण है कि आदमी को फिर जो पहले बहुत बड़ी बड़ी चीजें लगती थी, समाज हो गया, कुछ ऐसी बातें हो गई, आज उसे हंसी आती है कि मैं भी कैसा था, क्या सोचता था? देखो ज्ञान की प्रकृति है, वो तो बदलेगी ना। ज्ञान अगर आ रहा है, आत्मज्ञान हो रहा है, तो तुम अपने से ऊपर कोई चीज देखोगे ना, खुद का स्वार्थ, निजी स्वार्थ खत्म होता जाता है, और हम अभी तक जो भी कर रहे थे अपने स्वार्थ के लिए कर रहे थे, इसलिए हमें वो मुद्दे बहुत बड़े लग रहे थे। लेकिन जब हम निष्काम हो जाते हैं, हमारे अंदर आत्मज्ञान, ज्ञान लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ज्ञान को अपनाना, ज्ञान के पीछे नहीं भागना है हमें, हमें जितना ज्ञान मिलता जा रहा है, जैसा मिलता जा रहा है, और अगर वो ज्ञान हमें ऊपर उठा रहा है तो बस उसे हमें ग्रहण करते जाना, उसे अपने जीवन में उतारते जाना, बहुत सही बहुत सही, तभी हमारा जीवन बदलेगा। तो इस तरह से हमें आज के इस श्लोक से समझ में आया कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। आत्मज्ञान ही पाप है और आत्मज्ञान ही पुण्य है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। देखो कितने लोगों का जीवन नर्क बना होता है, नर्क से भी बदतर जिंदगी जीते हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान ही नहीं है कि मैं इस नर्क से बाहर कैसे निकलूं। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, हम चाहे भी उनकी मदद करना ना तो हम ही बुरे कहलाएंगे। हम तो सिर्फ उनकी मदद कर सकते हैं जो वास्तव में अपने जीवन के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, ठीक है, और जो रास्ते में भटक रहे हैं, बस हमारा काम है उन्हें सही रास्ता दिखाना, सही मार्गदर्शन देना, चलना या ना चलना चुनाव उनका है, हर वक्त चुनाव उन्हीं करेगा। देखिए कृष्ण अर्जुन को इतनी सारी बातें बता रहे हैं, 18 अध्याय उन्होंने
सिर्फ समझाने के लिए बताए। चुनाव अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया था, उन्हें थोपा नहीं कि मैं तुम्हें ऐसा कर रहा हूँ या तुम्हें यही करना है, सिर्फ उन्हें ज्ञान दिया कि ये हो सकता है ये नहीं हो सकता है, ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। चुनाव तुम्हें करना है कि तुम्हें अपने जीवन में नर्क लाना है, तुम्हें अपने जीवन में स्वर्ग लाना है, और जीते जी ही सब कुछ होता है, मरने के बाद कुछ नहीं होता है। ठीक है, जीवन हमारा, जो जिंदगी हमें मिली है ना, ये हमारे हाथ में है। जिंदगी आना और जिंदगी का जाना ये हमारे हाथ में नहीं है, जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम ये जो बीच की जिंदगी है इसे हंस के जीते या रो के जीते हैं, क्योंकि प्रकृति में दुख तो है, हम दुख से दूर नहीं हो सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ज्ञान आ गया तो हमारे जीवन से दुख दूर हो जाएगा, लेकिन उस दुख में, उस सुख में हम जीते कैसे, ये हमारे हाथ में, बस यही हमारे हाथ में है, और यही हमें शांति और मुक्ति का एहसास दिलाता है। इसीलिए ज्ञान हमारे लिए उपयोगी है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं, और बाहर किसी भी चीज के लिए गीता नहीं है। ये आपके अंदर, आपके मन में जो विचलित हो रहा है, मन स्थिर नहीं है, मन परेशान हो रहा है, अंदर से बेचैनी आ रही है, घबराहट हो रही, तड़प हो रही है, काम करने में मन नहीं लग रहा है, कुछ पाने की इच्छा जागृत हो रही है, इसको शांत करने के लिए ज्ञान है। ठीक है, कितने लोगों ने इसका क्या क्या कर डाला, जो सारी चीजें मन के अंदर होनी चाहिए थी वो सब साधु त्याग के, स्थिर मन के बजाय शरीर को स्थिर कर डाला, एक नया भेष धारण कर डाला। कोई इसका वो नहीं है, ना कोई भेष है, ना कोई भूसा है, ना कोई तरीका है, ना कोई पहचान है, सिर्फ पहचान एक ही है कि आप शांत हो या बेचैन। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये हमारी जो गीता पे हम चर्चा कर रहे हैं, जो हम गीता के एक एक श्लोक पे इतना ओपनली खुल के बात कर रहे हैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ताकि भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।